प्रदेश में बाजरे की फसल की खरीद के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल से हमारे संवाददाता पवन सिवर ने बातचीत की। हरियाणा में मंडियों में फसलों की खरीद को लेकर और खासतौर पर बाजरे की खरीद को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, और इसके साथ ही हाल ही में सिरसा जिले में जो किसानों का बीमा जो जारी होना था उसको लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, मंडियों में जो फसल की अभी आवक होनी है उसको लेकर क्या तैयारी की गई है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और कब तक खरीद शुरू हो जाएगी? चूंकि आपने प्रयास किया था कि जल्द जो है वो खरीद शुरू हो सके, इसको लेकर भी आपने केंद्र सरकार से जो वार्तालाप की थी, पत्र लिखा गया था, तो अभी क्या स्थिति है सर? ये सही है कि बाजरे की फसल किसान ने निकाल ली है और इस बार हमने भारत सरकार से मांग की थी कि 6.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा हमें खरीदने दिया जाए, लेकिन हमें इजाज़त मिली है 2.5 लाख मीट्रिक टन की, तो वो खरीद हम एक दो दिन में शुरू करा देंगे। एफिड के द्वारा वो खरीद होगी और वो मार्केट रेट से खरीद होगी, बाकी का जो गैप होगा वो भावांतर भरपाई से पैसा किसानों के खाते में डाल देंगे। जिसकी खरीद हो जाएगी उसको बाजरा खरीद करके अंतर भरपाई देंगे, बाकी का जिसका भी रजिस्टर्ड फार्मर होगा, मेरी फसल मेरा बराबर जिसने चढ़ा दी है उसके खाते में भी हम सीधा अंतर भरपाई का पैसा देंगे जी। तो सर, मतलब अभी जिन किसानों ने बाजरे की फसल निकाल ली है या जो निकालने की तैयारी में है वो अब मंडियों में फसल लेकर आ सकते हैं, और आपने जो केंद्र सरकार से 2.5 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली है उसके मुताबिक एफेड के जरिए खरीद करेंगे? जी, हम एफेड को बोल दिया है, मंडी बोर्ड को तैयारी कर ली है और एक आध दिन में खरीद शुरू हो जाएगी, और जिस भाव से भी वो खरीदेगा एफएड का, तो बाकी का जो डिफरेंस होगा वो उनके खाते में सीधा किसान के खाते में डालेंगे, और जिसकी खरीद नहीं भी होगी उसके खाते में भी पैसा जाएगा, इसलिए किसी किसान भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। सर, बाकी जो फसल है सर, खासतौर पर धान जो है उसको लेकर क्या इंतजाम है, क्योंकि आपने जल्द खरीद शुरू हो सके इसके लिए प्रयास किया था, तो अभी मंडियों में क्या उनके लिए तैयारियां कर ली गई, जैसे ही अनुमति मिलेगी तो खरीद सही तरीके से शुरू हो जाएगी सर? जो धान सरकारी MSP पे खरीदा जाता है वो हम खरीदते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारा धान ऐसा है जो व्यापारी खरीदते हैं, वो धान आना शुरू हो गया है, और खुशी की बात यह है कि उस धान का भाव इस टाइम पिछले 2-3 साल से ही अच्छा भाव किसान को मिल रहा है, इस बार भी बहुत अच्छा भाव है, तो इस बात की मुझे खुशी है। और जो सरकारी खरीद है उसकी भी हमने इजाज़त मांगी है कि 1 अक्टूबर की बजाय उसको पहले खरीदने की इजाज़त दें, हम भारत सरकार के संपर्क में हैं और पहले जब भी इजाज़त मिल जाएगी हमारी पूरी तैयारियां हैं कि हम उसकी खरीद करके किसानों की सुविधा के लिए काम करें जी। सर, बीते दिनों एक और चर्चा शुरू हुई थी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लस्टर 2 के जो 7 जिले हैं उन जिलों में जो वो प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो प्रीमियम कटा था वो किसानों को वापस लौटा दिया जाएगा, अब किसान को अगर नुकसान हो जाता है तो उसकी प्रधानमंत्री फसल बीमा से भरपाई नहीं होगी, इस तरीके की चर्चाएं थी। खासतौर पर विपक्ष ये कह रहा है कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात सरकार करती है वो कंपनियां भाग रही है, किसान का पैसा वापिस लौटाने की तैयारी हो रही है, तो ये इस मामले में क्या स्थिति है सर? तो विपक्ष दोहरी बात करता है, विपक्ष कहता है कि किस कंपनियों ने किसानों को लूट लिया है जी। एक तरफ से विपक्ष कहता है कि कंपनियां भाग रही हैं, अगर कंपनियां कमाई होती कर रही होती हरियाणा में तो क्यों भागती जी। ये सही है कि इस बार 3 क्लस्टर में से 1 क्लस्टर में हमारे पास कोई कंपनी नहीं आई है जी। और उसका किसान हित में हमने फैसला लिया है कि उसी तरह से जैसे बीमा योजना थी उसी तरह से हम अब पोर्टल खोल करके हमारा विभाग जो है दोबारा से पैसा जमा करा करके बीमा की जो योजना है उसी तरह से उनको किसानों की क्षतिपूर्ति की भरपाई करेंगे, और जो पैसा बैंकों में जमा हो गया है कंपनी के नाम से करवाया गया था वो पैसा वापस कर देंगे, और हम 7 दिन के लिए पोर्टल दोबारा तुरंत खोलने जा रहे हैं, वो किसानों को डेट पता लग जाएगी, तो इसलिए इन 7 जिलों के हिसार, अम्बाला, करनाल और जींद, सोनीपत, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ वगैरह के जो किसान हैं जो वंचित रह गए थे जहां कंपनियां नहीं आई, तो इन किसानों के हित के लिए मैं समझता हूं कि मनोहर लाल जी ने फैसला किया है कि भाग से ही बीमा करके इनको जो नुकसान है उसकी भरपाई करें। तो ये मतलब किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि अब विभाग जो है वो उनकी फसल की लिए उनको जो वो बीमा जिस तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत होता है उसी तर्ज पर प्रीमियम लेकर और उनकी फसल को सुरक्षित करेगा जी। जी, जिस तरह से पहले बीमा होता आया उसी तरह से कंपनी की जगह हमारा विभाग आ जाएगा, 7 दिन के लिए पोर्टल खोलेंगे, उसी तरह से
जो फसलों की क्रॉप कटिंग होगी उसी तरह से उनके उसी नीति के अनुसार जो उनको नुकसान की भरपाई करेंगे। तो इन किसान भाइयों के लिए जो हरियाणा सरकार हमेशा तैयार रहती है और उनके साथ खड़ी है, और इन 7 जिले के किसानों को तुरंत जो है इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। जी सर, इसके साथ ही सिरसा जिला जो है वो काफ़ी चर्चा में था, चूंकि हरियाणा विधानसभा का जब मानसून सत्र था तो सिरसा जिले के किसानों के बीमे को लेकर जो है वो एक जो प्रस्ताव था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसानों से जुड़े मुद्दे पर, उसमें चर्चा के दौरान भी बात सामने आई, लेकिन अब किसानों को वहाँ पर 500 करोड़ से भी ज़्यादा का क्लेम जो है वो मिला है। किसान लगभग सिरसा जिले के किसान के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा जो 2022 में फसल खराब हुई थी कॉटन की, उसका कंपनसेशन किसान को मिला है, क्या कहेंगे सर? ये सही है कि देरी हुई है इस बार किसान को पैसा मिलने में, और कंपनी ने काफ़ी आनाकानी की जी। तो लेकिन हमने उसके साथ जो एग्रीमेंट था उस हिसाब से लड़ाई लड़ी, जिला स्तर पर हमारी जीत हुई, प्रदेश स्तर पर हमारी जीत हुई, और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो थी वहाँ हमारी जीत हुई, और अब आंशिक रूप से अभी भी कुछ पैसा बाकी है, लेकिन 538 करोड़ रुपया उन्होंने पे कर दिया है, जिसमें से अकेले सिरसा जिले का 533 करोड़ रुपये एक खरीब 2022 का पैसा है, और इतनी बड़ी राशि इससे पहले कभी भी किसी भी जिले को नहीं मिली। और हमारी कोशिश रहती है कि हम किसान हित में काम करें, और इसका फ़ायदा किसानों को मिल रहा है। मैंने देखा है कि जब जिस पैसा डला तो सिरसा जिले के किसान बड़े खुशी मना रहे थे। सर, ये फसल बीमा का जो किया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, इस पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि हरियाणा के किसानों को इसका लाभ नहीं हो रहा, लेकिन अभी हाल ही में जो सिरसा जिले के किसानों को 2022 का जो मुआवजा मिला है वो 500 करोड़ से ज़्यादा का मिला है, ऐसे ही आंकड़े क्या है सर? हरियाणा में फसल बीमा योजना के तहत कितना लाभ मिल चुका है किसानों को? मैं तो बार बार विधानसभा में बोल चुका हूँ, सदन के पटल पर बोल चुका हूँ, और बार बार बताता भी रहता हूं कि जितना विरोध राजनीतिक पार्टी किसान यूनियन वगैरह के लोग थे इस योजना का किया, और ये कहते थे कि सेठ साहूकार बन जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएगा, और जितना लाभ इस योजना का किसानों को मिला है उससे किसानों को बहुत सारा लगा है जी। किसानों से अब तक हमने सारा 1700-1800 करोड़ रुपये लिया है जी। और 8500 करोड़ रुपये उनके मंजूर करा चुके हैं जी। और उसमें से 400-500 करोड़ रुपये अभी उनको जाना है, बाकी पैसा किसानों को बढ़ चुका है। जब उसको 5 गुना पैसा मिल चुका है तो किसान इस योजना को स्वैच्छिक होते हुए भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इस साल हमारी कंपनियां लेट आई, कुछ बीमित किसानों की संख्या घटेगी, लेकिन आम तौर पर ये संख्या बढ़ती जाती थी। किसान इस योजना से बड़े अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और चाहते हैं कि ये बीमा योजना जारी रहे, क्योंकि उनको इससे जो जोखिम है उनका फ्री हो जाता है। सर, एक और इन दिनों जो किसान के सामने दिक्कत आ रही है आपके क्षेत्र में, दक्षिण हरियाणा में भी, और जिन क्षेत्र में कॉटन की खेती होती है वहाँ पर गुलाबी सुंडी का प्रकोप है सर, और बीटी जो बीज है उसमें इस तरीके से सुंडी का जो आक्रमण है किसान को काफ़ी नुकसान जो है वो पैदावार में हो रहा है सर, तो इसको लेकर आप किस तरीके से आप जो है वो किसान को और ज़्यादा बीज उसको सही मिले उसको लेकर काम करने की ज़रूरत है क्या? ये जानकारी में मेरे आई है कि 2 साल से कपास की जो यील्ड है वो घटती जा रही है, और इस पर आक्रमण गुलाबी सुंडी का होता है। पहले ये कहा जाता था कि बीटी कॉटन में ये बीमारियां नहीं आती, तो मैंने अपने कृषि विश्वविद्यालय को कहा है कि इस बारे में पूरी रिपोर्ट मुझे दें और क्या उपाय हमारा विभाग कर सकता है, क्या रेमेडी हम कर सकते हैं, वो हम करेंगे। और ये सही है कि इस बार जो है काफ़ी गुलाबी सुंडी का आक्रमण हुआ है और किसानों को नुकसान हुआ है। तो ये माना जाए सर कि किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार हर कदम पर हर तरह की जो किसान के सामने दुविधा है उसके लिए उसके साथ खड़ी है? निश्चित तौर पर हमारा विभाग का नाम ही किसान कल्याण है, और किसान की बात जब आती है तो हम उससे पहले हर कदम उठाने को तैयार रहते हैं जिससे कि किसान को कोई नुकसान ना हो। वो चाहे वो बीज की बात हो, चाहे वो खाद की बात हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हो, चाहे माइक्रोइरिगेशन की बात हो, चाहे भाव देने की बात हो, तो ये सारे प्रबंध हम करते रहते हैं। और अब 8, 9, 10 तारीख को जो कृषि विश्वविद्यालय है हिसार के अंदर चौधरी चरण सिंह जी के नाम से, उसमें बहुत बड़ा मेला लगाया जाएगा, उसमें जितने भी नवाचार हैं किसानों के संबंधित वो सब का प्रदर्शन होगा, कंपनियाँ आएंगी, मशीनरी का प्रदर्शन होगा, और जो हम प्रगतिशील किसान हैं उनको सम्मानित भी करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जो कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार और जो प्रदेश का कृषि और किसान कल्याण विभाग है वो लगातार किसानों के हित में किस तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं, किसान को और ज्यादा संपन्न करने के लिए, बेहतर किसान को बनाने के लिए जो है वो तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। खासतौर पर अभी अक्टूबर में 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक एक हिसार कृषि विश्वविद्यालय में किसान जो मेला है वो लगने जा रहा है, जिसमें तमाम तरीके की जो तकनीक है किसानों के लिए उसकी जानकारी दी जाएगी। और इसके साथ साथ जेपी दलाल का ये साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो किसान है उनकी जो फसलें खराब होती है उनका उन्हें जो मुआवजा है वो मिलता है, लेकिन विपक्ष ने इस योजना के खिलाफ खूब प्रचार किया, लेकिन हरियाणा में आज जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके तहत किसानों को उनका जब भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिला है। और अभी जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 5 गुना जो प्रीमियम किसानों से लिया गया है उससे 5 गुना ज्यादा जो मुआवजा है वो किसानों को अब तक हरियाणा में मिल चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी चंडीगढ़।